तीन साल का बैलेंस शीट पूछते हैं, तो हमारे यहाँ पे छह महीने का एग्जिस्टेंस काफी होता है एफपीएफ को लेंड करने के लिए, और एक बैलेंस शीट होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वेयर हाउसेस बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से प्लेस फाइनेंसिंग भी हम लोग कर पाएंगे। ये आया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो टर्म लोन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है उसके लिए भी हम लोग टर्म लोन देते हैं, एंड इसके लिए भारत सरकार की जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज होते हैं, उसमें जो फार्मर्स अपना क्रॉप को रख के उसको प्लेस फाइनेंसिंग भी ले सकते हैं। ये बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, और जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ पर ही आ रहा हूँ, जो मैं आपकी परफॉर्मेंस बता रहा हूँ आपको। परफॉर्मेंस नहीं सुनी आपकी, लोन के बारे में सर। हमारे लोन के लिए हमने प्रमोट की थी, फंड किया था पीओडीएम में सर। इस लास्ट ईयर का हमारा जो टर्न ओवर था 1.60 crore था, उसमें प्रॉफिट भी हमारा अप्रोक्सीमेटली 10 lakh के आसपास था सर। जब हमने जेके बैंक को अप्रोच किया कि हमको अप्लाई किया था डीसी साहब के पास, तो हमने लोन के लिए अप्लाई नहीं किया सर। अप्लाई नहीं किया, मुझे उम्मीद है कि मुझे लोन मिल सकता है, तो सब कोऑपरेटिव इनको मना कर दिया लोन देने से। दूसरा इनसे गारंटी भी मांगी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की फैसिलिटी अवेलेबल है उसको यूज करने की कोशिश भी नहीं की। और क्या सुनना चाहते हैं बताइए सर जवाब। इनको एएफ में कवर इसलिए नहीं करते हैं कि उनका इंटरेस्ट रेट कैप है 9% सर। बैंक का मिनिमम रेट ही उससे ज्यादा होता है, दैट इज वाई मोस्ट बैंक आर नॉट विलिंग टू गिव लोन्स टू एफपीओ, बट नैपकिसन वी हैव फंड। ये तो आपने देख लिया, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए तो बड़ी रंगीन प्रेजेंटेशन है, हम देख सकते हैं वेरी कलरफुल प्रेजेंटेशन। अब पॉइंट है कि एक ही एफपीओ नजर आई जिसने बोला मुझे लोन मिला, 22 lakh रुपए का लोन मिला, और उसको भी कोलेटरल देना पड़ा। कोलेटरल के बगैर जेएनके बैंक को मालूम ही नहीं है कि इसको लोन भी मिलता है, इनका अकाउंट भी खोला जाता है। सबसे बड़ा बैंक जेएनके बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक एफपीओ की है, बाकी कुछ नहीं। पंजाब नेशनल बैंक 0, यूको बैंक 0, कैनरा बैंक 0, इंडियन बैंक 0, मतलब हम क्या कर रहे हैं? वट आर वी फंडिंग? अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च की है February 2020 में, तो हमारे बैंकर्स को पता ही नहीं है स्कीम है, तो व्हाट इज हैपनिंग? तो सबसे पहला इशू चमन जी आप ये नोट करिए पॉइंट्स, हमको जाना पड़ेगा इसमें। जो हमारी एक स्टेट लेवल की कमेटी होती है ना, शायद उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब के चेयरमैन SLPC क्या कहते हैं SLCC की इस मीटिंग में सीनियर बैंकर्स पार्टिसिपेट करें, विच इंक्लूड्स द MD ऑफ द JNK बैंक, विच इंक्लूड सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक एंड इवन फ्रॉम नबार्ड। तो नंबर वन अकाउंट ओपन। दूसरा लैंड के बारे में कि लैंड जो इनको अलॉट करनी है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसके बारे में भी गाइडलाइंस उसमें इश्यू हो जानी चाहिए सारे डीसीज कि लैंड इनको मिलनी है, किस हिसाब से मिलनी है, किस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट मिलनी है, किस किस पर्पज के लिए मिलनी है, दैट शुड बी वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड इन द गाइडलाइंस। ठीक है मैडम, आपका सपोर्ट। आज की मीटिंग का मुद्दा यही था कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और एफपीओज जो हैं और बैंक्स, इनके बीच एक अच्छा रابطہ हो, फंडिंग और आसान हो, और ठीक तरीके से अच्छी फंडिंग किसानों को जो एफपीओज को मिले, एफपीओज अच्छा बिजनेस करें और सक्सेसफुल हों, ताकि अल्टीमेटली एफपीओ अगर बिजनेस करेगा तो उसके जो मेंबर्स हैं, प्रोड्यूसर्स मेंबर्स हैं, उन्हीं को उसका लाभ मिलेगा।